नमस्कार दोस्तों, कभी कभी मैं ये बात जरूर कहता नजर आता हूँ आप लोगों को कि आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वो बात मैं केवल कहता नहीं हूँ, वास्तविकता में वो वीडियो महत्वपूर्ण होता है। भले ही आप उसको देखें या ना देखें, आपको बोरिंग लगता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होता है। आज का ये वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वृत्तिक संसूचनाएं, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, क्या होता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन? मान लीजिए एक व्यक्ति कोई अपराध करके आए, किसी के साथ मारपीट कर ले, झगड़ा कर ले, या कोई फोर्जरी का अपराध हो, कोई चोरी का अपराध हो, धोखाधड़ी का अपराध हो, किसी की हत्या कर दी हो उसने, या हत्या का प्रयत्न किया हो, या बलात्कार किया हो, किसी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया हो। ऐसा अपराध करके एक व्यक्ति अगर अपने एडवोकेट के पास पहुंचता है और उससे कहता है, एडवोकेट से ये जानकारी शेयर करता है कि मैंने ऐसा अपराध किया है या मैं ऐसे अपराध में फंसा दिया गया हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए, तो एडवोकेट का दायित्व तो क्या है? जो जानकारी उसने ऑलरेडी क्लाइंट से प्राप्त की है, क्या उसे सडनली पुलिस ऑफिसर से शेयर कर देनी चाहिए? और अगर वह व्यक्ति यानी वह अपराधी व्यक्ति, वह आरोपी जो ऐसा अपराध करके आया है आपके साथ उपस्थित है, तो पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए कि आप आइए इसे गिरफ्तार करके ले जाइए। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर यह है वीडियो आज का, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। जब कोई भी व्यक्ति उपचार के लिए चाहे डॉक्टर के पास जाए, चाहे एडवोकेट के पास जाए, कभी भी कोई व्यक्ति जो बीमार होता है वो डॉक्टर के पास जाता है इलाज के लिए, अदरवाइज कोई भी डॉक्टर के पास नहीं जाता है। सेम सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति जब किसी केस पे फंसता है या किसी केस में उसकी इन्वॉल्वेशन होती है या कोई केस करना होता है, तो ही वो एडवोकेट के पास जाता है। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आप अपने परिवार से शेयर नहीं करते हैं। किसी को मान लीजिए कोई ऐसा संक्रमण हो जाए जो ऑलरेडी सोशल इन नेचर ना हो, खासतौर पे जैसे एचआईवी जैसी बीमारियां हैं, माना जाता है भाई कि अगर किसी को एचआईवी हो गई तो उसमें बड़ी गलत धारणा लोगों के विषय के पास बनी हुई है, तो सोशल बीमारी नहीं मानी जाती है, शेयर करने से लोग बचते हैं। आप डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करवाता है, रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट होती है कॉन्फिडेंशियल, डॉक्टर केवल आपको ही बताता है कि भाई आपको ये समस्या हो गई है, पब्लिकली इस रिपोर्ट को शेयर नहीं करता है। सेम सिचुएशन, कोई अपराधी अपराध करके अगर आ जाए तो उसे भी एडवोकेट से सारी बात बतानी होगी कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, जाने में हो गया, अनजाने में हो गया, गलती से हो गया, लेकिन हो गया, और अब आप मुझे बचा लीजिए इस अपराध से। तो भाई अब पुलिस उसे तलाश कर रही है, एडवोकेट भी एक सिटीजन है, आम नागरिक है, लेकिन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 126 वित्तीय संसूचनाएं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करके आए और अपने एडवोकेट से वो सारी जानकारी शेयर करे, तो उस सिचुएशन में एडवोकेट उस संसूचनाओं को, उन जानकारियों को अपने चैम्बर तक ही सीमित रखेगा और अपने क्लाइंट के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करेगा कि उसको उस आरोप से बचाया जाए। पुलिस उस व्यक्ति को तलाश कर रही है, एडवोकेट से अगर पुलिस पूछताछ करना चाहती है, पूछना चाहती है, तो एडवोकेट ऐसी सूचना प्रकट करने के लिए पूरी तरह से इस सेक्शन के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है, वह जानकारी साझा नहीं कर सकता है और उसके ऊपर पुलिस ऑफिसर, पुलिस अथॉरिटी दबाव नहीं बना सकते कि आप मुझे ये जानकारियाँ उपलब्ध कराइए, जो भी जानकारी आपको उस व्यक्ति से प्राप्त हुई है, उसकी लोकेशन कहाँ पर है या उसके पास क्या है। तो ये ध्यान रखिए कि 126 एविडेंस एक्ट एक क्लाइंट और एक एडवोकेट के बीच में जो भी बातचीत होती है उसके विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है कि वो संसूचनाएं प्रकटीकरण से संरक्षित होती हैं, किसी के सामने उसको बताया नहीं जा सकता है, पुलिस ऑफिसर्स अगर चाहें तो भी उनसे शेयर नहीं किया जा सकता या वो शेयर करने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट इसमें जोड़ना चाहूंगा,
कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं उस व्यक्ति को मार देने वाला हूं या उसकी संपत्ति पर कब्जा करने लेने वाला हूं, ऐसी धोखाधड़ी मैं करने वाला हूं, तो उस सिचुएशन में भैया फिर आपको ये जानकारी एडवोकेट होते हुए भी पुलिस को बतानी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी अब वो अपराध करने वाला है। तो अगर कोई अपराध पूर्ण हो चुका, मतलब किया जा चुका है, वो जानकारी अगर आपको अपने क्लाइंट से प्राप्त होती है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि आप पुलिस ऑफिसर से किसी से उस जानकारी को बताएं। आपका दायित्व केवल इतना है कि आप कोर्ट में अपने क्लाइंट का फेवर करेंगे, क्लाइंट का पक्ष रखेंगे पूरी निष्ठा के साथ, पूरे दायित्व के साथ। लेकिन अगर क्लाइंट ये कह दे कि मैं अपराध करने वाला हूं, तो भैया फिर तो गड़बड़ है। फिर तो आपको ये सूचना देनी पड़ेगी, ये सूचना आपको अगर पुलिस अधिकारियों के द्वारा मांगी जाती है तो आपको उपलब्ध करानी पड़ेगी। आपको अगर मान लीजिए पूछताछ की जाती है तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर ऐसा अपराध करने वाला है, आप स्वयं भी बता सकते हैं। ये संरक्षित नहीं होगी अगर कोई इन फ्यूचर अपराध करने के संबंध में आपको जानकारी अगर क्लाइंट आपका देता है, तो कर चुका है तो देन ही इज प्रोटेक्टेड, मतलब वो इन्फॉर्मेशन संसूचना जो है वो वृत्तिक दायरे में आती है, और उस सिचुएशन में आप उस सूचना को कहीं भी प्रकट नहीं करेंगे, मतलब गोपनीय बात होती है। जैसे बहुत से सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी किसी वाली जो कैबिनेट मीटिंग में अगर कोई सीक्रेट प्रस्ताव पास हो जाए, कोई ऐसा प्रस्ताव पास हो किसी मैटर में, या किसी ऑफिशियल्स के बीच में ऐसे कोई मंत्रणा हो जो सीक्रेट रखी जानी हो, तो ऑलरेडी सीक्रेट का मतलब सीक्रेट होता है। तो वैसे सेम सिचुएशन अप्लीकेबल होती है एडवोकेट और एक क्लाइंट के बीच में, कि अगर कोई अपराध करके वो आया है तो जो भी जानकारी वो देगा वो इस विश्वास के साथ ही देता है एडवोकेट को कि एडवोकेट जो है उसके वो उसे बचा लेंगे उस अपराध से। तो ये ध्यान रखिए कि 126 एविडेंस एक्ट एडवोकेट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर मैं जो भी मेरे कलीग्स हैं, अगर कुछ इस तरह का मैटर आता तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आपकी ये संसूचना 126 एविडेंस एक्ट से प्रोटेक्टेड है, आप बिल्कुल बात नहीं कर, कोई पुलिस पर्सन आपसे मान लीजिए जानकारी चाहे तो आप सीधा एक जवाब दीजिए कि भाई मैं ऐसी जानकारी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि 126 एविडेंस एक्ट प्रोहिबिटेड करता है और उस हिसाब से आप उससे जानकारी पाने के अधिकारी नहीं हैं। अगर वो पर्सन कोई फर्दर ऑफेंस करता है और अगर उसकी बात मुझसे शेयर करता है तो फिर वो मेरी लायबिलिटी है, लेकिन अगर उसने कोई फर्दर ऑफेंस नहीं किया है, उसका एक ऑफेंस की हिस्ट्री थी, तो वो जानकारी मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर की रिपोर्ट भी वही होती है कि HIV जैसे मैटर्स में लोग नहीं चाहते हैं कि ये जानकारी सामाजिक रूप से बाहर आए, क्योंकि थोड़ी सी सामाजिक बीमारी मतलब मानी जाती है कि लोग इसमें थोड़ा सा गलत नज़रों से लोगों को देखने लगते हैं, गलत फहमी पाल लेते हैं। सेम सिचुएशन आप मान के चलिए कि ये जानकारियाँ थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल होती हैं और इसको बहुत सामान्य तरीके से अगर समझा जाए, देखा जाए, तो प्रोटेक्टेड इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी इसलिए मैंने आपको ये जानकारी दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, चैनल पर आगे बने रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें। थैंक यू।